नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सुबह के आलस को आप कैसे दूर कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूं। तो दोस्तों, सुबह का जो आलस है वो बहुत ही कॉमन परेशानी हो गई है। सुबह में उठने में बहुत ही आलस आता है और अगर हम देर से उठते हैं तो पूरे दिन हमारे शरीर में आलस बना रहता है या फिर हमें कोई भी काम करने में आलस आती रहती है। तो उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल बटन ज़रूर दबा दें ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आलस को दूर करने के उपाय के बारे में। तो सबसे पहला उपाय है, रात को सोने से पहले अलार्म घड़ी को बिस्तर से दूर रखें। उससे क्या होगा, जब सुबह में अलार्म बजेगी तो आपको उठकर अलार्म बंद करने जाना पड़ेगा और आप अगर अलार्म बंद करने जाते हैं तो आपकी जो आँख है, आपकी जो नींद है वो खुल जाती है और एक बार नींद खुलने के बाद फिर से आँख लगना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप जल्दी उठ सकते हैं और आपका जो आलस है वो भी दूर कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, आप मन में सकारात्मक सोच रखें कि आपको सुबह जल्दी उठना है, ऐसा रात को आपको सोचकर सोना है। तो आप इससे क्या होगा कि आपके जो माइंड है उसके ऊपर असर होगा और आप सुबह में जल्दी उठ पाएंगे। तीसरा, रात को सोने से पहले आपको नेक्स्ट डे क्या करना है उसकी लिस्ट बनाएं, ताकि क्या होगा कि आपको काम करना है ऐसा पता रहेगा और कौन कौन से काम करने हैं वो आपको याद आता रहेगा और काम करने की उत्सुकता जो रहेगी आपके मन में उससे आप जल्दी उठ पाएंगे। चौथा, व्यायाम करें या फिर एक्सरसाइज करें या फिर आप कार्डियो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो पूरे दिन शरीर में आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी और आपका जो मन है वो भी तरोताजा रहेगा। तो ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करें। पांचवा देखें तो आप मुंह पर सुबह में उठने के बाद ठंडे पानी के छींटे मारें। इससे क्या होगा कि ठंडे पानी के छींटे मारने से आपकी आंख जो है वो जल्दी खुल जाएगी। अगर आपको उठने का मन नहीं कर रहा है तो रात को ही स्प्रे बॉटल में ठंडा पानी भर के रख दें और सुबह में उठ के वो जो स्प्रे बॉटल से आप अपनी आंखों पर छिटका कर सकते हैं पानी का, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। नेक्स्ट देखें तो सुबह का ब्रेकफास्ट अवश्य करें। सुबह के ब्रेकफास्ट को यानी कि सुबह के नाश्ते को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो सुबह का नाश्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इससे आपको पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है। तो सुबह के नाश्ते में आपको प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए या फिर आप अनाज भी ले सकते हैं या फिर आप फल फ्रूट भी ले सकते हैं। तो फलों के साथ आप प्रोटीन या फिर अनाज का सेवन ज़रूर करें या फिर ओट्स ले सकते हैं, तो इनका सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए और सुबह का नाश्ता कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो आपको सुबह की थकान को दूर करने के लिए आप थोड़ी देर बाहर सूरज के प्रकाश में टहलने जाएं या फिर वॉकिंग करने आप जा सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो सेरोटोनिन का स्तर होता है वो बढ़ जाता है और आपको पूरे दिन शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। अंत में मैं आपको एक और टिप दे दूँ तो हर रोज़ सुबह में आप एक ही समय पर उठें और रात को भी एक ही समय पर सोएं। इससे क्या होता है कि आपकी जो सर्केडियन रिदम है यानी कि जो नींद की साइकिल है वो अच्छी तरह बनी रहती है और आपकी नींद भी बहुत ही अच्छी तरह पूरी होती है और आप सुबह में उठ के तरोताज़ा महसूस करते हैं और आपके अंदर आलस नहीं बना रहेगा। तो ये टिप्स को ज़रूर अपनाएं और मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कौन सी टिप्स अपनाई और आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल बटन ज़रूर दबा दें ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए। धन्यवाद।